यार अभी तक तो नहीं बोल रही थी जब सब थे तो भागो। ओ, ये बड़ा हो गया, मोटा हो गया, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से हवा लटक रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन। आज मैं रहने वाली हूं वांटेड टेरेस पे, वो भी पूरी रात। मेरी तो हालत खराब हो रही है कि मैं कैसे रहूंगी, और ऊपर से मुझे अकेले रहना है वो भी टेरेस पे रात को। और शुरुआत रात से ही होगी तो ये तो बहुत डरावना होने वाला है। आप लोग प्लीज मेरा साथ देना और जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, शायद देखते पता नहीं एंड में क्या होगा। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग टेरेस पे अपना सारा सामान लेकर, और मैं आपको मिलूंगी अब। हॉरर चैलेंज हो रहा, मेकअप चैलेंज नहीं, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम लोग टेरेस पे। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ देखो, इस फ्लोर पे कोई नहीं रहता जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऊपर भी कोई नहीं है। तो मैं आ गई हूँ भी अपने हॉन्टेड टेरेस पे, और यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, यहाँ पर लाइट लगाई गई है, वो भी अभी शूट के लगाई है, उसके बाद सब चले जाएंगे। मुझे अकेले रहना है यहाँ पे, तो देखते हैं पता नहीं क्या होगा, शायद आज मुझे इस टेरेस पे भूत भी मिल जाए। तो चलो अभी हम अपना पहले टेंट सेटअप करते हैं। तो ये मुझे नहीं आता, इसलिए मैं सेटअप पूरा करवाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा रही है, जमीन अपनी सेल्फी ले रही है। सेल्फी नहीं ले रही मैं। तो अभी हमारा टेंट तैयार हो गया है, तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गुफा में आ गई, मुझसे यहाँ पे नहीं बैठा जा रहा है। और मुझे अभी अंदर अपने सामान भी रखने हैं, और यहाँ से सामने का जो व्यू है वो बहुत ही डरावना है। तो आप देखो कैसा सामने का दिख रहा है मुझे अंदर से। यार मुझे अंदर तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं बंद हो गई हूँ कहीं पे, मुझसे नहीं रहा जा रहा। यार क्या है वो, दिखाओ क्या है। अभी तक तो नहीं बोल रही थी जब सब थे तो अब बोल रही है। भागो। तो मैं भी डर के भाग इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था किसी की आवाज आ रही है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे घर के ऊपर जो टेरेस है, मतलब यहाँ जहाँ पर मैं भी हूँ, ये एक हॉन्टेड टेरेस है। यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं आते हैं, और हमारी जो बिल्डिंग है उस पर फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ हम लोग रहते हैं, और टेरेस पे कोई भी नहीं आता है। मैं जब से आई हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैं दो बार आई हूँ, और ये मेरा सेकंड टाइम है, और इतनी रात को तो मैं पहली बार आई हूँ। और अभी मैं टेंट में गई थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो टेंट के बाहर जो व्यू दिख रहा था वहाँ पर से मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर गई, और जब तक सब लोग थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही सब गए पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं एंड तक क्या होगा मेरे साथ। और ये जो गेट है ये हर वक्त बंद रहता है, इसको मैंने कभी भी खुला हुआ नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर से कोई देख रहा है। तुम्हारे पीछे कोई है यार, क्यों डरा रही हो? तो मैं अभी तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ कोई भी, प्लीज। बाय बाय टाटा, अब तुम खुद से शूट कर सकती हो। और कैसे होगा? तो मैं अब थोड़ा अंदर आराम कर लेती, क्योंकि बाहर चलते चलते मैं थक भी गई और बहुत डर लग रहा है बाहर। बस यहाँ पर एक ही अच्छी चीज है कि मैं खाने पीने की चीजें लेकर आई हूँ, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टेंट के पीछे यहाँ पर कोई है, किसी की शैडो भी दिख रही है मुझे। क्या हो गया? डर लग रहा है।
मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था जब हम लोग वो जब मैं ये कर रही थी हॉन्टेड बालकनी वाला, तो मेरे साथ भी ऐसा लग रहा था कोई है मेरे साथ अंदर बैठा. अंदर नहीं बैठा मुझे अंदर टेंट में तो बहुत ही सफोकेशन हो रही है, तो मैं बाहर आ रही हूँ और बाहर ही हम कुछ हॉन्टेड गेम्स खेलेंगे. तुम देखो कुछ कर रहा है यार, टंकी में पानी पी रहा है, शायद प्यासा है. कोई है टंकी भूत है तो मेरे पीछे एक टंकी भूत है. हाँ लाइट कम हो रही है उसकी तरफ देखो. तो अब मैं जा रही हूँ एक हॉन्टेड गेम खेलने. टंकी भूत ये चलता कि भूत हट टंकी भूत सारे टंकी में कुछ कर रहा है. वो ये बड़ा हो गया मोटा हो गया मोटा हो गया पर उसके पास हाथ भी है. तो अभी मैं खेलूंगी चाली चाली जिससे भूत आते हैं, और ये तो टेरेस है और खुला भी है तो यहाँ पर तो भूत आएंगे ही आएंगे. चाली चाली आर यू देयर. यस तो अभी मुझे बहुत डर लगने लगा चाली चाली में आया. यस मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है चैलेंज लेकर, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा. बहुत डर लग रहा है यहाँ पे. अगर आप लोग भी होते ना तो कोई रुक नहीं पाता. अभी टाइम हो रहा है 1:27 और कितनी देर रहना पड़ेगा यहाँ पे. तो चलो अभी मैं आपको यहाँ पर की एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ. तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता. और इसके बारे में लोग बताते हैं कि इसके कॉरिडोर और छत पे भूत चलते हुए दिखाई देते हैं. तो पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन बहुत डर लगता है इसको देख कर. ये बिल्डिंग ऐसी खाली है कब से, कितने साल हो गए. और ये तो लोगों के कहने की बात है अब, लेकिन मुझे मैंने खुद से तो देखा नहीं. अगर मैं देखती तो मान लेती, लेकिन बस ये कि डर लगता है क्योंकि सुना है तो डर बहुत लगता है यहाँ पर आने में भी. तो यहाँ से चलो चलते हैं. तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ रील्स बनाने और स्वाइप स्टोरीज लेने के लिए. अभी मैंने हॉन्टेड इतना कुछ सोच लिया है कि मुझे सब कुछ डरावना लग रहा है. ये पूरी बिल्डिंग, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग खाली है. ये जो नीचे ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है. ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से हाथ लटक रहा है. कोई आ रहा है बाबू. नीचे और यार मेरे साथ प्रैंक हो गया, वरना मैं और देर रुक जाती ऊपर. अभी 3 बज रहे हैं और मैं सुबह तक रुकने वाली थी, लेकिन नहीं यार नहीं हो पाया. ये चीटिंग हुई है मेरे साथ. मैं तो सो रही थी, मुझे डरा दिया ऐसा कि फिर मैं भाग कर आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा डर, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया. ऐसा माहौल था वहां पे का कि मतलब मुझे लग रहा था कि यार अब मुझसे नहीं रहा जाएगा. और मैं सो कैसे सकती हूँ यार, कोई उठा कर ले जाता तो. आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या भूतों से डर लगता है. मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता होगा, सबको लगता ही है यार डर. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, भूत के लिए कर दो या मेरे लिए कर दो. तो यहीं पे खत्म होती है वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी. तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.